यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं पर्यावरण संरक्षण में स्कूली छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने छात्र की ओर से लगाए गए हर जीवित वृक्ष पर हर 6 महीने के बाद 50 रुपए प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। ये प्रोत्साहन राशि 3 साल तक की अवधि के लिए दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक पुस्तक भी प्रदान की जाएगी। मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न विभागों की 5 पर्यावरण अनुकूल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की बैठक हुई। विकास एवं पंचायत मंत्री ओपी धनखड़ समेत कई कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल रहे। बैठक में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से एक राज्यव्यापी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सरकारी और निजी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों को उनके घर के परिसर या किसी भी सार्वजनिक जगह पर कम से कम एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पेड़ लगाए जाने के अलावा छात्र 3 साल तक पेड़ों का रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश में 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों की संख्या लगभग 22 लाख है।